हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं पीके टेक वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सब आज जानेंगे कंप्यूटर के जितने भी कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की हैं उसके बारे में आज समझेंगे कि कंट्रोल के साथ ए टू जेड जितने भी की हैं उसके बारे में जानेंगे कि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है। वैसे ही करते करते कंट्रोल जेड तक अपन जानेंगे कि किस की से क्या कर सकते हैं और इससे आपका जो भी वर्क है वो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो चलिए, इसको समझाने के लिए मैं अभी एमएस वर्ड ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आगे के प्रोसेस को बताता हूँ कि आप कैसे कैसे प्रैक्टिकली मैं दिखाऊँगा कि कैसे कैसे आप कंट्रोल ए से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बी से क्या करते हैं, ऐसे जेड तक बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं एमएस वर्ड ओपन कर लिया हूँ। इसमें एक पेज वन है और दूसरा पेज है पेज टू के नाम से। तो मैं कुछ सेंटेंस लिखा हूँ आपको समझाने के लिए कि ताकि ये लिखने में टाइम ज़्यादा ना जाए, आपको जल्दी समझा दें छोटे से वीडियो में पूरे कंट्रोल के साथ जितने भी की हैं उसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले आता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से दोस्तों होता क्या है, यह ऑल सेलेक्ट हो जाता है। जैसे आप आएंगे इस पे और आप कहीं भी कर्सर रख के और कंट्रोल ए करेंगे तो देखिए आपका पूरे जितने भी टेक्स्ट हैं सभी सेलेक्ट हो गए हैं। पेज वन और पेज टू जितने सारे पेज रहेंगे सभी के टेक्स्ट जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ये आता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है कि जितने भी टेक्स्ट रहेंगे सिलेक्टेड वो बोल्ड हो जाएंगे। बोल्ड मतलब वो थोड़ा ऐसे टाइप के हो जाएंगे जैसे टेक्स्ट उनका थोड़ा हाइलाइट्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल बी करते हैं, कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते हैं तो देखिए ये जो पहले से बोल्ड था वो तो अनबोल्ड हो गया। जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करके, जिसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोल बी करने से ये बोल्ड हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। ये तो दोस्तों आप जानते होंगे कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। जैसे इसको मुझे कॉपी करना है तो इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी हो चुका है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी एक कमांड होता है, इसे पेस्ट करने से पता चल जाएगा आपको। तो ये बाद में अपन देखेंगे कि कंट्रोल वी का भी कमांड पढ़ेंगे। तो कंट्रोल सी से आपने कॉपी कर लिया। उसके बाद से आते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है कि फॉन्ट के स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए वर्ड पे चलते हैं और कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। कंट्रोल डी से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो टेक्स्ट सिलेक्टेड रहेगा उसका फॉन्ट जो भी रखना चाहेंगे, जैसे ये वेल मैं इसको अब कैंसिल करता हूँ और पेज को ये पेज नंबर वन को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी करके और आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी फॉन्ट करके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फॉन्ट चेंज हो गया। उसके बाद से दोस्तों आते हैं कंट्रोल ई पे। कंट्रोल ई से क्या होता है कि अलाइन टू सेंटर। जैसे ये अभी सेंटर पे है, पहले से ही ये सेंटर पे है, इसको मैं यहाँ ला देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर पे चला जाएगा। तो इसलिए ये कंट्रोल ई से सेंटर पे आता है। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, कंट्रोल एफ है। जैसे किसी पेज में आपको किसी को फाइंड करना है टेक्स्ट को तो उसके लिए ये कंट्रोल एफ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एंड आपको फाइंड करना है कि एंड कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है तो कंट्रोल या इस पेज में आके कंट्रोल आप एफ प्रेस करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो लिखेंगे, जैसे ए एन डी लिख रहा हूँ मैं, एंड करके यहाँ पर जितने सारे एंड होंगे वो सब आपको हाइलाइट्स होना दिखना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंट्रोल एफ से ये फाइंड का ऑप्शन आता है, इसको अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट कमांड चलते हैं, कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू। मतलब आपके पास मल्टीपल पेज है, जैसे पेज नंबर वन है और पेज नंबर टू है, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं पेज नंबर टू पे जाऊँ तो यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करें और यहाँ पे पेज पे क्लिक करके यहाँ पे पेज नंबर टू पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके गो टू पेज नंबर टू। अब मतलब ये पेज नंबर आपको टू पे ला दिया। ऐसे ही
आपके पास 1000 पेज हैं तो आप जानना चाहते हैं कि सबसे लास्ट वाला पेज पे, तो ऐसे पेज नंबर आप डाल देंगे तो उस पेज पे डायरेक्टली चले जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड पे, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होता है कि रिप्लेस हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप यू लिखा हुआ है, इसको आप चाहते हैं रिप्लेस कर दें वी से, तो आप इस पेज पे आए हैं और जहाँ जहाँ पे यू लिखा रहेगा आप चाहते हैं कि उसको वी से रिप्लेस कर दें, तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और फाइंड व्हाट, मतलब जो आप वो चाहते हैं, जैसे यू जहाँ पे लिखा हुआ वाई ओ यू लिखेंगे और रिप्लेस विथ वी कर देंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जितने सारे यू रहेंगे वो आपका रिप्लेस हो जाएंगे वी से। जैसे यहाँ पे पहले आप देखे थे यू था, यू जहाँ जहाँ भी था वहाँ से रिप्लेस होके वी हो गया। दोस्तों नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, कंट्रोल आई है। कंट्रोल आई से क्या होता है कि इटालिक हो जाता है। जैसे थोड़ा सा ये जो भी टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, जैसे इसको आप कंट्रोल आई करेंगे सेलेक्ट करके तो ये तो हल्का सा टेढ़ा दिखने लगेगा। देखिए जैसे देख पा रहे हैं आप कि कंट्रोल आई प्रेस करते हैं हल्का सा टिल्ड हो गया। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से स्पेस टेक्स्ट मतलब जस्टिफाई हो जाता है। जैसे क्या होता है कि ये जैसे आप देख पा रहे हैं इधर एक लाइन में कहीं नहीं है, थोड़ा सा इधर कम है, कहीं यहाँ पे एक और भी कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए जैसे इधर लिखा हुआ है वैसे ही इधर भी करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये इक्वल में कर देगा दोनों तरफ से। तो इस तरह को करने के लिए कंट्रोल जे सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, कंट्रोल के। कंट्रोल के से क्या होता है कि हाइपर लिंक लग जाता है। जैसे उस टेक्स्ट के साथ लिंक कुछ आप चाहते हैं कि उस पर क्लिक करें तो वो चीज़ मेरा ओपन हो जाए, तो कंट्रोल मान लीजिए मुझे वेलकम है इसको लिंक में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल के करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिंक करने का एक ऑप्शन आ जाएगा कि इस पर लिंक क्या करना है आपको। तो आप मैं चलता हूँ, इस पर फ़ोटो अगर लगाना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे मेरा फ़ोटो है, इसको मैं लगाना चाह रहा हूँ कैप्चर वन को, और यहाँ पे देखिए ये लिंक टाइप का बन गया। अब इसके साथ यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो लिख रहा है कि कंट्रोल क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी फ़ोटो जो भी आप लिंक किए हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ये लिंक किया था मैं तो ये ओपन हो गया, इसको कैंसिल करते हैं। तो इस तरह आप कंट्रोल केस के माध्यम से यहाँ पे क्लिक केवल टेक्स्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट कमांड क्या है, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से अलाइन टू लेफ्ट। जैसे किसी चीज़ को लेफ्ट में आपको चाहिए या अभी सेंटर है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। वैसे अब नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से दोस्तों पैराग्राफ इंडेक्स होता है। जैसे ये सिलेक्ट करके आप चाहते हैं कि कंट्रोल एम प्रेस करें तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन था पहले यहाँ से चालू था। जैसे ये चीज़ ज़्यादातर न्यूज़पेपर में देखे होंगे आप, मैं एक न्यूज़पेपर ओपन करके दिखा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। जैसे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, इसके बाद से टेक्स्ट लिखा हुआ है बहुत सारा, उसके बाद फिर से ये नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वैसे आपको करना है तो कंट्रोल एम के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि पहले यहाँ से लिखा हुआ था, अब यहाँ पे आप इमेज देखें यहाँ से अब लिखना चालू कर दिया। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है कि नया पेज ओपन होता है। जैसे ये पेज पहले से काम कर रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि नया पेज ओपन करना, तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है कि ओपन फाइल होगा। जैसे यहाँ पे आकर और कंट्रोल ओ करेंगे तो यहाँ पे जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट करके जहाँ भी फाइल ओपन करना चाहते हैं वो ओपन कर सकते हैं। इसको कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं,
कंट्रोल पी तो सबको ही जानता है कि यहाँ से प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। कि जैसे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे यहाँ से प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। इसको कैंसिल करता हूँ और नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, कंट्रोल क्यू। जैसे यहाँ पे देखे थे आप कंट्रोल एम पे कि पैराग्राफ इंडेक्स होता है, वैसे कंट्रोल क्यू से क्या होता है कि क्लियर इंडेक्स पैराग्राफ हो जाता है। जैसे ये सिलेक्ट कर ले और कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये जो पहले से यहाँ से लिखा हुआ दिखा रहा था, पैराग्राफ बना हुआ था, वो अब क्लियर हो चुका है। जैसे कंट्रोल जेड यहाँ से अभी लिखा हुआ है और कंट्रोल क्यू करने से ये पहले से क्लियर हो गया। अब यहाँ से पहले इमेज लगाने का ऑप्शन आता था, अब नहीं आएगा। तो इस तरह दोस्तों आप नेक्स्ट कमांड पर चलेंगे कंट्रोल आर, इससे क्या होता है कि अलाइन टू राइट साइड। जैसे ये टेक्स्ट है ये अभी लेफ्ट साइड में है, कंट्रोल के साथ आप आर प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं दोस्तों कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होता है कि सेव होता है। जैसे पेज को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ एस करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने कि कहाँ पे सेव करना है। आप उसका पाथ बताएं और वहाँ पे सेव कर लें। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होता है, हैंगिंग इंडेक्स होता है। जैसे क्या होता है कि ये अभी वेलकम टू पीके टेक ये एक लाइन में लिखा हुआ है सब। अब आप चाहते हैं यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस कर दें, कंट्रोल टी, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक लाइन लिखा हुआ था उसके बाद से यहाँ पे ऐसे अब लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर में आप देख पाएंगे, न्यूज़पेपर में भी यही काम आता है कंट्रोल टी करने से। जैसे ये इमेज है, इमेज लगा के कंट्रोल टी कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा और फिर से नीचे से आप लिखना चालू कर देंगे। नेक्स्ट कमांड कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से क्या होता है कि अंडरलाइन हो जाता है, जितने भी टेक्स्ट हैं आपको कंट्रोल यू करना है। जैसे आपको कंप्यूटर को अंडरलाइन करना है तो एक कंप्यूटर को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू करेंगे, देखिए नीचे ये अंडरलाइन हो गया है। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे आप क्या किए कि कम्युनिटी, इसको कंट्रोल सी से कॉपी किए और चाहते हैं यहाँ पे पेस्ट करना तो कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हुआ हुआ जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। नेक्स्ट कमांड क्या है, कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल डब्लू से क्या होता है कि पेज को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये पेज है आपका और इस पर कंट्रोल डब्लू प्रेस करेंगे तो ये क्लोज करने का ऑप्शन आएगा। आप क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। जैसे आपको इसको कैंसिल करना है, कट करना है पीके टेक वीडियो, तो इसको कंट्रोल एक्स करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड क्या है, कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू होता है। जैसे यहाँ पे कंट्रोल वाई करेंगे, अब यहाँ रीडू मतलब पहले से जैसे अंडू करना है कि जैसे कंट्रोल जेड, तो मैं पहले यहाँ से कट किया होता है पीके टेक वीडियो, तो इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ तो ये आ गया, कंट्रोल जेड मतलब अंडू हो गया। इसको फिर से मुझे हटाना है तो कंट्रोल वाई कर देंगे आप तो मतलब ये फिर से रीडू हो गया, जैसे पहले था वैसे चला गया। तो इस तरह कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का आप यूज कर सकते हैं रीडू और अंडू में। तो दोस्तों आज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा ए टू जेड पूरा कंट्रोल के बारे में। तो आप इससे बहुत ही आसान कर सकते हैं अपने कामों को शॉर्टकट के माध्यम से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।